आप सब लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सब देखिए मेरा YouTube चैनल, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ खान। सर्दियाँ आ गई हैं और मैंने भी अब सर्दियों के मेरे हमारे कपड़े निकाले जा रहे हैं सर्दियों के अब, और ऊपर है अभी हम सारे मम्मा हानी हरीम में अब सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं। और ये जो है ना हरीम साइकिलिंग कर रही है अब, और जब इस तरह काम हो रहा हो ना मैं काफी सारी उल्टी उल्टी शरारतें करता हूँ। एक शरारत ये भी है मेरी, ये देखें, ये चारपाई पे चढ़ा, सामने बेड पे चढ़ा, ये विंडो है, गिरूं मत, बस बस बच जाऊं, अब जंप लगाने लगा हूँ, डर भी लग रहा है। आई लगा लिया, मजा ही आ गया। और ये भूत रात फिर मेरे पीछे आ गई है, इसको आती है ये हरीम को साइकिल चलानी, प्रैक्टिस करती है और चोटे लगवा लेती है। ये पड़े हैं कपड़े सारे, सर्दियों के सारे कपड़े पड़े हैं, गर्मियों के अभी बंद होने लगे हैं, इनका चैप्टर गर्मियों का क्लोज हो रहा है और सर्दियों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कपड़ों का। अब इधर सारे सर्दियों का कपड़े पड़े हैं और मुझे अपनी एक चीज नजर आई, इन सारों में से मुझे सिर्फ अभी एक ही नजर आई, मेरी ये शर्ट, शर्ट है जर्सी मम्मा, जर्सी है मम्मा, ये अभी उल्टी है ना इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। अभी तो गर्मी है इसलिए ये इतनी नहीं पहनी जाएगी, आज मैंने ये पहनी है, आज मैंने रेड कलर का जंपर पहना है और मुझे अभी भी इस ड्रेस में भी गर्मी लग रही है। अब इस कमरे की जो विंडो है उससे पौधे भी नजर आते, हमारे जो इधर पौधे हैं ना वो भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये इधर सारे पड़े हैं, मैं उल्टा हूँ ना इसलिए मुझे खुद समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही सही तरह से, उधर से आके दिखाता हूँ। मुझे मुर्गी का अंडा मिला, मुर्गी का अंडा मिला, दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें मुर्गी का अंडा, मजाक कर रहा हूँ, तो आइए ये ऊपर से जो दिखा रहे थे सही नजर नहीं आ रहे थे, ये पड़े हमारे सारे पौधे, ये सारे इंडोर नहीं नहीं आउटडोर है, नहीं ये जितने भी हमारे पड़े हैं ये सेवन शेड के हैं। अभी आप लोगों को मैं अपने स्टोर और किचन का विजिट करवाता हूँ जो ऊपर है, अभी स्टोर का आपको विजिट करवाता हूँ मैं। स्टोर है ये हमारे जिसके अंदर चीजें पड़ी है मेरी, ये कैरम बोर्ड, ये कुछ चीजें पड़ी है और इधर फ्रिज वगैरह के गत्ते वगैरह पड़े हैं, बॉक्स, और ये एक पंखा जो यूज में कभी कभी आता है, जब हमारा बोलता तब लगाया हुआ था, आखिरी निशानी। ये सारे इस पूरे ट्रंक में से हमने गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, नहीं सर्दियों के कपड़े निकाले और गर्मियों के रखने हैं। और यहाँ से एक और चीज आपको चढ़ के दिखाता हूँ, ट्रंक का बंद किया, ट्रंक के ऊपर चढ़ के आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर ऊपर चढ़ाऊ, ये इधर पूरी जगह बनी हुई है इतना, और इधर से मैंने पकड़ा हुआ और इधर से अपने पौधे नजर आते हैं, बड़ा मजा आता है उल्टी फुल्टी हरकतें करने का। ये इधर सारे पौधे नजर आ रहे हैं, अब मुझे गिरने का डर है, सिर्फ मैंने इधर से ही पकड़ा हुआ है बस, अब इसी ट्रंक के ऊपर से पाँव रख के मैं नीचे उतरूंगा। और किचन में आगे दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, ये मेरी साइकिल का पंप है, पहले मुझे इतना शौक था साइकिल चलाने का, टायर में एयर नहीं आती थी, एयर इससे जब मंगवाया अब शौक ही नहीं है साइकिलिंग का। ये किचन है जिसके अंदर हम कुछ भी कुकिंग वगैरह नहीं करते, और इधर चूल्हा होना चाहिए तो जो नहीं है अभी क्योंकि हम काम कौन सा करते हैं, इधर हमारे स्टोन्स पड़े हैं, और ये इधर एक पहले वाला कूलर बास्केट किचन की, और ये पेट्रोल वाला कैन, और ये चीजें पड़ी हैं, और ये मेरे दादा की जहेज की अलमारी इधर पड़ी हुई है। एक की सबसे अच्छी एक बात ये देखें, इधर से भी पौधे नजर आ जाते हैं अगर इसको खोले, ये देखें, उधर से पहले मैं दिखा रहा था, अब इधर से वो जो व्हाइट बोर्ड और ईंटे रखी हुई है वो इसलिए रखी हुई है क्योंकि उधर से बिल्ली आ जाती थी, और ये हमने काला बाग से स्टोन उठाए थे, कुछ कितने प्यारे हैं, ये कोई फिल्टर नहीं है, फिल्टर के अंदर कलर नहीं है, ये असल इसका कलर है। किचन से निकलते हैं तो साथ एक बाथरूम है, ये बाथरूम का दरवाजा है, और ये सा किचन के सामने ही एक रूम है, टेरेस वाला रूम हम इसे कहते हैं, जैसे हम अगर पौधे देखने जाते हैं, और इधर जिधर भी अब लाउंज में, ये लाउंज है जिधर हर चीज, इधर सारे के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े ही कपड़े, कपड़े कपड़े कपड़े, गंदम हमने वॉश करके साफ करके रखी भी है, इधर गंदम की गट्टू, ये कपड़ों के बाद खत्म होते हैं कपड़े इधर से, ये हमारे टेडी धरी हूँ मेरे कुछ पड़े हैं, ये बर्तन,
इधर कार्स, ये हरीम और मेरे बर्तन, ये हरीम के बर्तन, ये भी हरीम के, एक मिनट, और ये ब्लॉक्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, और यहाँ पे भी हरीम के ही पड़े हैं। जाते हैं हम उस रूम में, और इधर भी कुछ कपड़े पड़े हैं, लेकिन अब नहीं दिखाऊंगा मैं जितने कपड़े हो गए हैं। इधर हमने एक सोफा सेट भी रखा हुआ है, एक बड़ा सोफा, 3 सीटर, एक 2 सीटर, और एक टेबल इसके साथ, और इसके साथ ही एक अटैच बाथरूम भी है, और ये इधर वार्डरोब्स भी हैं। वार्डरोब खोलता हूँ तो इधर मेरे कोट, बाबा के कोट, बाबा के ऑफिस वगैरह के, मम्मा और हानिया हरीम के इधर कपड़े हैं। मुझे अभी एक नीचे से बॉक्स नजर आया, खोल के आपको दिखाता हूँ, काफी भारी बॉक्स है। तो ओपन करते हैं तो यहाँ पर ग्लास पेंटिंग पड़ी हुई है, एक मिनट, ये देखें। सबसे पहले तो ये पेंटिंग, ये मैंने आपको पहले कभी नहीं दिखाई, लेकिन मैंने खुद एक दो दफा देखी हुई है। इसको इधर रखते हैं ध्यान से, और ये देखें, ये फ्रूट्स वगैरह की, बहुत ध्यान से कटना लग जाए। ओके, ये देखिए, ये भी एक फ्लावर्स वगैरह की, ये जितनी भी बनी हुई है ये मेरी मम्मा और खाला वगैरह ने बनाई हुई है, और ये भी, और एक का तो मुझे पता है किसने बनाई है, ये वाली तो मुझे पता है, ये वाली जो है ये मेरी मम्मा ने बनाई हुई है, ये वाली पेंटिंग मिकी माउस और मिनी माउस वाली, हैव अ नाइस पिकनिक लिखा हुआ ऊपर। ये तो क्रैक है, इसके पीछे एल्युमिनियम फॉइल भी एक लगा हुआ है, पीछे एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ है, और आगे पेंटिंग, बस खत्म, इतनी थी। ये वाली मेरी मम्मा ने बनाई हुई है, एक इधर क्रैक भी आ गया हुआ बड़ा सा, और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी हुई है। अब इनको ख्याल से मैं वापस रखता हूँ इनकी जगह पे, ये अब अंदर रख दिए, बाकी भी रखता हूँ बाबू को, बाबा का दूंगा फ्रेम करवाने के लिए ये सारी। अब इसको बंद करके रख देते हैं जगह पे, रख दिए अंदर, अब ये बंद करते हैं अलमारी, थक गया हूँ। आपको ग्लास पेंटिंग ये वाली कैसे लगी, हम भी अब करेंगे ग्लास पेंटिंग, मैं भी अब प्लानिंग कर रहा हूँ कि ग्लास पेंट लेके आए, और हानी और मैं भी करें पेंटिंग ग्लास पे, टांगे ऊपर रख के बैठने का अपना ही एक मजा है। आपको कुछ मैं चीजें दिखाता हूँ जो ड्रॉर में है, जो ड्रॉर में तो चेक करूंगा क्या क्या पड़ा हुआ है। इधर एक पड़ा है इन्विटेशन, जो मेरे मम्मी पापा की शादी वाला था, इसको खोल के चेक करता हूँ। ये कार्ड है अंदर से, ये इधर डेट और टाइम वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, कुछ कार्ड भी इधर बने पड़े हैं जो हानिया मैंने बनाए हुए हैं, ये एक, ये मैंने हानिया के लिए बनाया था, ये मैंने बनाया हुआ है, ये किसने बनाया था, एक मिनट राइटिंग चेक करते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है, ये हानिया ने बनाया बाबा के लिए, ये हानिया ने बनाया मम्मी पापा के लिए, और ये मेरे एक चाचू है चाचू तारिक, इन्होंने बाबा की शादी पर ये कार्ड दिया था, ये मुझे अभी भी पता चला है कि चाचू ने दिया, ये ईद कार्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्यारे भाई आफ्ताब खान, सदा ईद मुबारक, खुश रहो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, सवैया थोड़ी खाऊंगा, आपने जो मशवरा दिया, वरना इस दफा सवैया ज्यादा खाऊंगा, और इरादा था आपका भाई तारिक खान। ये बाबा जब छोटे थे तो उनके कजन ने बाबा को भेजा था, ये मस्जिद नबी अभी आपको नजर आ रही है ना, अभी खाना कब नजर आएगा, ये देखें चेंज हो गया ना, ये जो कार्ड है ना ये बड़ा स्पेशल कार्ड है, फिर ये बहुत ही अच्छा बाबा ने संभाल के रखा हुआ है, चाचू आप देख रहे हैं ना कितना संभाल के रखा हुआ है बाबा ने। अब मैं थक गया हूँ, ड्रॉर को करेंगे बंद, मैं थक गया हूँ, नीचे अब जाऊंगा और ज्यादा काम कर लिया, नीचे जाता हूँ, टीवी शीवी देखता हूँ और रेस्ट करता हूँ। तो मैं आ गया था, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं गुजरा था, घर में बोर हो रहा था, तो मैंने कहा किचन में काम जाके करता हूँ, हरीम ना करो, किचन में जाके काम करता हूँ। बताऊँ क्या काम है, प्याज काटना है, तो सबसे पहले एहतियाती तदाबीर कैसे पहली,
आज मैं बहुत ज्यादा आंसू आते हैं क्योंकि प्याज के काटने की वजह से, तो ग्लास पहन ली और मास्क, जंग पे जा रहा हूँ। ये कुछ प्याज मैंने कर लिए हैं, ये अभी काटने भी हैं, मैं काटूंगा। मम्मा से परमिशन ले ली, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। अनियन तो मैं अभी कट कर रहा हूँ, लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं तक मेरा था। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग ने जिसने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। मेरे चैनल नेक्स्ट व्लॉग में तब तक लिए मुझे दीजिए ज्यादा तरह बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।